अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। आज की वीडियो में आपको प्यारे से उर्दू कोटेशन सुनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलें। वक्त ऐसा है कि तमाम अच्छी बातें फ़ोन गैलरी स्टेटस पर तो मौजूद हैं, मगर इंसान के अमल और किरदार में नहीं। खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं है किसी में, खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं है किसी में, इसलिए सब कहते हैं कि दुनिया ख़राब है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीतने की खुशी खो देता है। जब आपसे गैर इरादी नेकियां होने लगें तो मुस्कुराएं, क्योंकि वहां कहीं ऊपर आप पर नज़रे करम ठहर गई है। इंसान को खुदा तब ही याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। जिंदगी खुदा से मिली है, खुदा के लिए इस्तेमाल करें। जिंदगी खुदा से मिली है, खुदा के लिए इस्तेमाल करें। दौलत खुदा से मिली है, खुदा की राह में इस्तेमाल करें। दुनिया की सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बातें करने की बजाय एक दूसरे से बातें करें। जो आपकी बुराई करते हैं इन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ताली बजाने वाले दोनों हाथ एक ही शख्स के होते हैं और ताली आप पे बजती है, कभी इज्जत की, कभी जिल्लत की और कभी तमाशे की। गिरगिट ने मुफ्त बदनामी बटोरी हुई है, गिरगिट ने मुफ्त बदनामी बटोरी हुई है। इंसान से ज़्यादा जल्दी कोई मखलूक रंग नहीं बदलती। चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती है। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफ़र जितना तवील होता जाएगा वापसी इतनी ही दुश्वार होगी। अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर चीज़ की तारीफ किया करें और शुक्र अदा किया करें। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो आप खुशी की इंतहा पर होते हैं और ये खुश रहने का बेहतरीन तरीका भी है। अना से बचो, ये वो दो दहारी तलवार है जिसका बैरूनी किनारा आपकी शोहरत को काटता है और अंदरूनी किनारा आपकी मासूमियत को। खुद को ऐसा बनाएं कि जो भी आपसे मिले मोहब्बत से आपकी जानिब मुतवज्जह हो जाए, और यकीन कीजिए ऐसा होना आपके मुकम्मल इख्तियार में है। अगर आप ज़िंदा हैं तो गलत फ़ैसलों की मुखालफत करें, जी हजूरी करना छोड़ दें। लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं तैराक नहीं, बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है
तब ऊपर वाला कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो तीन चीज़ें कभी मत भूलना, अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक को और अपनी औकात को। मेरी माँ ने एक बात सिखाई है, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है मगर नसीब से नहीं। शदीद अज़ियत होती है जब आप गलत भी ना हों और ख़ुद को सही साबित भी ना कर सकें। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको, बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। माचिस की तीली में सर तो होता है, माचिस की तीली में सर तो होता है लेकिन दिमाग नहीं होता, इसलिए ज़रा सी रगड़ से भड़क तोड़ती है पर अंजाम अपनी ही आग में जलकर खाक हो जाती है। हासिद का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है, अपने दिमाग को हमेशा अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों से ऊपर रखें ना के नीचे। ऐसा ना हो कि दिमाग को नीचे रखने से आप खुद भी इन चीज़ों के वज़न के नीचे दब जाएं। सफ़र करें और किसी को नहीं बताएं, सच्ची मोहब्बत की कहानी बसर करें और किसी को ना बताएं, खुशी से रहें और किसी को ना बताएं। लोग खूबसूरत चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। तीन चीज़ें इंसान की खुशियाँ खा जाती हैं, लोग क्या कहेंगे, अपनी खुशी को दूसरे के लिए छोड़ देना, अपने हक के लिए ना बोलना। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि हर चीज़ उजड़ जाती है, कंगाल हो जाते हैं लेकिन ज़ुबान पर फिर भी यही होता है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, अल्लाह तेरा शुक्र है। जब कोई आपको बेइज्जत करके नीचे गिराने की कोशिश करता है या कुछ ऐसा करके आपको गुस्सा दिलाता है तो एक गहरी सांस लें और कुछ वक्त के लिए अपनी अना को ख़त्म कर दें, क्योंकि याद रखिए अगर आप आसानी से बेजार हो जाते हैं तो आपको आसानी से तोड़ा जा सकता है। खूबसूरती में खुलूस नामुमकिन है, खूबसूरती में खुलूस नामुमकिन है, बदसूरती हमेशा पुरखलूस होती है। खुदा हाफिज़।